मुहर्रम के 7 तारीख शनिवार को शहर में पूरे दिन जुलूस निकलते रहे। कई मोहल्लों के इमाम चौकों से सुबह से जुलूस निकलने का सिलसिला शुरू हुआ, जो देर रात तक चलता रहा। इस मौके पर जुलूस का कई स्थानों पर स्वागत भी किया गया। रस्म चौकी, घोड़े, बैंड और आलम जुलूस की शोभा बढ़ा रहे थे। करतब दिखाते युवाओं के प्रदर्शन को देखने के लिए जगह जगह लोग मौजूद रहे। गोरखपुन्नी से बात करते हुए मोहम्मद शरीफ ने बताया कि 7वीं मुहर्रम को करबला के मैदान में यजीद की फौज ने इमाम हुसैन और उनके साथियों पर पानी की आपूर्ति बंद कर दी थी, ताकि वो शासक यजीद की मातहती स्वीकार कर ले, मगर इमाम हुसैन और उनके साथियों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसकी याद में ये जुलूस निकाला जाता है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए मोहम्मद शरीफ ने कहा, मोहम्मद शरीफ एम बाड़ा रेती चौक का है, ये जगह सब है ये, और नखास रेती हुए खूनीपुर चौरा लड़लेगी साहबगंज होते हुए मदरसा चौरा चौरे हालसीगंज घंटाघर होते हुए समारूफ रेती चौरे पर ख़त्म हो जाएगा। एम बाड़ा रेती चौक का है ये इमाम हुसैन के इसमें याद में निकाला जाता है। मुहर्रम की 10वीं तारीख शहीद हुए थे करबला में जी, उन्हें याद में जरूर निकाला जाता है।